हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी शाइन। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो बैली पर डार्क लाइन आती है उससे क्या होता है, ओल्ड वाइप्स क्या है और ये क्यों आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो ऑन टाइम मिले। एंड मेरे चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वैली पर डार्क लाइन आती है वो क्यों आती है, किस बात का संकेत है, इससे क्या हार्म होता है या हार्म नहीं होता है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेरी वैली पर ये लाइन कैसी थी, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में हम लोग अचानक से बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये हो गया लीनिया निग्रा एंड आपकी बॉडी का जो कलर होता है, स्किन का जो कलर होता है वो काफ़ी डल हो जाता है, अंडर आर्म्स बहुत डार्क होने लगते हैं एंड बैली पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो चेंजेस होते हैं वो अचानक से हम लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। तो हम सोचते हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं या इनका कोई अलग ही कारण है। तो जो ये बैली पर जो लाइन बनती है, लीनिया निग्रा लाइन बोलते हैं जिसे, जो बैली बटन के ऊपर और बैली बटन के नीचे तक बनती है, ये आपको सेकेंड ट्रिमेस्टर में देखने को मिलती है। इसका जो कारण होता है ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण ही बॉडी में मेलानिन नाम का पिगमेंट बढ़ता है जिसकी वजह से ये लाइन बनती है। और इसी वजह से आप देखोगे कि अंडर आर्म्स का कलर डार्क हो जाता है, आपकी स्किन थोड़ी डल लगने लगती है, ये सब मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ये बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से बॉडी का कलर डार्क होता है और अगर ये मेलानिन की मात्रा कम होती है तो बॉडी का कलर लाइट रहता है। तो ये जो लाइन बनती है ये भी मेलानिन की वजह से ही बनती है। ये होगी साइंटिफिक बात कि ये क्यों बनती है। और जो ओल्ड वाइब्स हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर ये जो लाइन होती है जो आपको दूसरी तिमाही में देखने को मिलेगी, हल्की हल्की सी उभरने लगती है और आखिरी तिमाही तक ये पूरी तरीके से आपको देखने को दिखाई देने लगती, बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती है, एकदम डार्क हो जाती है। एंड आफ्टर डिलीवरी ये धीरे धीरे इनविजिबल होती है, जैसे कि ये बनने में टाइम लगता है उसी तरीके से इसको इनविजिबल होने में भी टाइम लगता है। तो आपको एकदम से घबराना नहीं चाहिए कि ये डिलीवरी भी हो गई और अभी तक ये लाइन क्यों नहीं जा रही है। तो ये जो लाइन होती है लीनिया निग्रा, इससे लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। जो ओल्ड वाइब्स हैं उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो लाइन अगर आपकी स्ट्रेट है, आपकी चेस्ट से लेके बैली बटन से और बैली बटन के नीचे तक ये स्ट्रेट जा रही है, तो ऐसा बोला जाता है कि बॉय होगा। और अगर ये लाइन जिगजैग टाइप की है, टेढ़ी मेढ़ी आपको शो हो रही है, तो बोला जाता है कि बेबी गर्ल होगी। तो जो लोग भी अपने बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा गैस लगा लेते हैं इससे। बाकी ये किसी के केस में सही निकलता है, किसी के केस में सही नहीं निकलता है। इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल ही होगी, लेकिन जस्ट फॉर फन प्रिडिक्शन हम लोग थोड़ा गैस कर लेते हैं। और सभी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे केस में जो ये लाइन थी ये एकदम स्ट्रेट थी और काफ़ी डार्क हो गई थी। और ऑब्वियसली जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें ये लाइन काफ़ी डार्क हो जाती है, तो मेरे केस में ये लाइन स्ट्रेट थी बैली बटन के ऊपर भी और बैली बटन के नीचे भी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और थोड़ा सा जो आपने पूछा था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो और मुझे टाइम मिलते ही मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।